एक मिनट रुकना जरा, खड़े हो, खड़े हो जी साहब जी। साहब जी ये रिस क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी यहाँ पे ड्यूटी चौकीदारे की है, तुम यहाँ पे रोटियां खाने बैठ जाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ड्यूटी कौन करेगा तुम्हारी जगह पे? साहब जी वो क्या है, मेरी दो दिन से बीवी घर पर बीमार थी, घर पे नाश्ता करता तो यहाँ ड्यूटी पे लेट होता था, इसलिए मैं बाजार से पैक करवा के ले आया, नाश्ता कर रहा था। साहब जी तुम्हारा ये ड्यूटी का टाइम है। सर ये आपने क्या कर दिया, बेचारा खाना ही तो खा रहा था, आपने उसको उसका खाना भी गिरा दिया। तुम खामोश रहो, इन जैसे लोगों को जितनी छूट दी जाए ना उतना सर पे चढ़ते हैं। अब देखो ये ड्यूटी के टाइम पे खाना खा रहा है, ये कोई टाइम है खाना खाने का? साहब जी मरीज आदमी, भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए खाना खाने बैठ गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आइंदा के बाद ऐसा कुछ काम किया ना तो यहाँ से छुट्टी होगी तुम्हारी। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। उस्मान आप बाहर से चौकीदार को बुला के लाना जरा। ओके बुला ला। आ जाओ। सलाम वालेकुम साहब जी, आपने मुझे बुलाया। वालेकुम सलाम, इधर बैठ जाए। आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है? नहीं साहब जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं। पहले तो आपको मैंने कभी परेशान नहीं देखा, क्या हुआ है, सच क्या है? नहीं नहीं साहब जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, सारा दिन धूप पे ड्यूटी देता हूँ ना, तो शायद आपको इसलिए परेशान लग रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ, 10 साल से आप इधर हमारे पास नौकरी कर रहे हैं, आज तक आपका चेहरा इतना परेशान मैंने नहीं देखा, कोई बात है बता दें मुझे सच सच क्या हुआ है, किसी ने आपको परेशान किया इधर? वो सर छोड़े ना, वो उनका शक्ल ही उनकी ऐसी है तो क्या करें, हम बार बार उनसे पूछे जा रहे हैं, रहने दें बस। अगर इनकी शक्ल ही ऐसी है तो ये क्या मैं देख रहा हूँ? आपको नहीं पता कि ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपकी सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे ने नोट की हुई हैं। सर ये वो अपना गेट पे ड्यूटी की बजाय सर ये खाना खा रहा था, खाने खाने का टाइम है सर, ड्यूटी दे सर, कोई कुछ हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, ये तो खाना खा रहा था सर, इसलिए फिर मैंने इसको थप्पड़ मारा है। खामोश हो जाओ, एक लफ्ज भी मैं आपका आगे नहीं सुनूंगा। वो यहाँ आपकी नौकरी करने आते हैं, आपके इससे थप्पड़ खाने नहीं आते। क्या हुआ वो जो दर्जा 4 का मुलाजम है, गरीब होना या छोटा मुलाजम होना कोई जुर्म नहीं है, इंसान सब बराबर हैं। जरूरी नहीं जिनकी सांस नहीं चलती वो ही मुर्दा हो, जिनमें इंसानियत बाकी ना रहे वो भी मुर्दों में शुमार होते हैं।